शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू ड्रॉप करने के लिए। कोई एहसान तो ही ना किया, बगल में ऑफिस है मेरा तो ड्रॉप कर दिया। स्पेशली तुम्हें छोड़ने नहीं आया हूं यहाँ। आपका टीका फैल गया है। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? ऐसे तो कम पड़े देखो तुझे जो यूं ही देखा नहीं है जग में तुम जैसा कहीं। सौ जन्म भी कम पड़े देखो तुझे जो यूं ही ऐसे हुए हैं तेरे। वैसे आज मैंने एक चीज नोटिस की, जब सुबह पापा जी आपको शगुन दे रहे थे तो मैंने उनकी आंखों में आपके लिए गर्व देखा और आपकी आंखों में खुशी और संतुष्टि देखी। तो लेट हो जाओगी, बिल मुझ पे फटेगा। मैंने ऐसा कब किया? तुम नहीं करती पर बहुत है और करने वाले। और सुनो, ये जो आने जाने के पैसे बच रहे हैं ना, अपने खाते में लिख लेना कि अभय ने बचाए हैं, वरना पापा के हिसाब से तो ना ही मुझे पैसों की कदर है और ना ही वक्त की। ठीक है। सुनो, वो अगर शाम को पैसे बचाने हैं तो 7 बजे यहीं मिल जाना, मैं तुम्हें पिक कर लूँगा। जी, और आज आपका भी पहला दिन है तो ऑल द बेस्ट। थैंक यू। तुम्हें जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि तुम्हारी जेब पहले ही किसी ने भर दी है। राखी, बोलिए कीर्ति, क्यों किया आपने ऐसा? अरे अब बुद्ध बन के क्या खड़ी हैं आप, बोलिए कुछ। हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है कि अब यहाँ पे क्या करना चाहिए। आपने कहा कि चुप हो जाओ, अब आप ही कह रही हैं कि बोलो, और अगर हम बोलेंगे तो आप बोलेंगे कि हम बहुत बोलते हैं। हम कुछ भी कर ले, गलती ना हमेशा हमारी ही होती है। मम्मी जी, हम कोशिश कर रहे हैं ना कि आपको और घर वालों को खुश रखें। आपके कहने पे हमने करवा चौथ रखा, हम सुबह भी उठे, घर की पूरी सफाई भी करवाई, रसोई की रसम भी। पर नहीं, तारीफ तो दूर, आपको तो बस हमारी गलती नजर आती है। हमें तो लगता है यहाँ सबका एक ही काम बचा है, कीर्ति की गलती निकालो।
भी कर लो। किसी को ये समझ नहीं आता कि आपके तरीके और हमारे तरीके अलग अलग भी तो हो सकते हैं ना। पर नहीं, बस कीजिए गलती निकालो। देखा देखा ये लड़की किस तरह से? देखा मैंने, देखा मैंने मम्मी, आपने कैसे बिना बात के कीर्ति को इतना रुला दिया। क्या जरूरत थी इतनी बात सुनाने की उसे? वो कोशिश तो कर रही है ना, और गलत क्या कहा उसने? वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, आप कभी खुश होते ही नहीं। कोशिश? आप ही इसे कोशिश कहते हैं? वरुण, घर हमने भी चलाया है, काम हमने भी किया है, लेकिन इस तरह से ये खर्चा करके। प्लीज, अगर कीर्ति आपके तरीके से कोई काम नहीं कर रही है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो काम गलत किया है उसने। सही तो कह रही है, उसका और आपका तरीका अलग हो सकता है ना। वरुण आप ऐसे? मम्मी फर्क है, बहुत फर्क है आपके और हमारे जमाने में। आप हर चीज को अपने टाइम से कंपेयर क्यों कर रहे हो? उसके लिए भी ये सब नया है, लेकिन वो पूरे जी जान से कोशिश कर रही है ना। पर अगर आप हर बात पे ऐसे कमियां निकालोगे, गलतियां निकालोगे उसकी, तो कैसे चलेगा? कम से कम उसे एक मौका तो दो। कितनी खुश थी वो, और आपने आपने उसे रुला दिया। मुझे लगता है कि आपको इससे बेटर प्लान नहीं मिल सकता। आप पुराने प्लान में खामोखाम पैसा बर्बाद कर रहे हैं। सर बेटर ये रहेगा कि आप 2500 का न्यू कनेक्शन, न्यू डेटा प्लान लीजिए। वन टाइम पेमेंट एंड अनलिमिटेड डेटा, और वैसे भी आप हमारे पुराने कस्टमर हैं। सर जैसा कि उन्होंने बताया, इनकी इंटरनेट यूजेज इतनी नहीं है, तो ये प्लान इनको बहुत महंगा पड़ेगा। एक मिनट, आपका क्या मतलब था? आई थिंक आपको ये 449 वाला प्लान आपके लिए बेस्ट रहेगा। इसमें आपको फ्री कॉलिंग और पर डे 2GB डाटा मिल रहा है। आपको नया कनेक्शन लेने की भी जरूरत नहीं है, आपके इसी नंबर पे ये डाटा प्लान एक्टिवेट हो जाएगा। वाह, थैंक्स अभय। एक्चुअली लास्ट सेमिनार में मैं नहीं था ना, इसलिए शायद ये प्लान मिस हो गया होगा। थैंक्स अभय जी ये प्लान बताने के लिए। यू वेलकम। हमें पता है आप भी अपनी मम्मी की तरह हमें ताने सुनाने आए हैं ना। वैसे भी इस घर में सब हमें ताने ही मारते रहते हैं। आप भी हमें सुना दीजिए दो चार। कीर्ति, मैं तुम्हें ऐसे दुखी रोते हुए नहीं देख सकता। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, अब प्लीज ये रोना बंद कर दो। मम्मी से मैं बात करूंगा, सब ठीक हो जाएगा। वरुण जी आपको क्या पता, आप तो चले जाएंगे ऑफिस हमें छोड़कर। दिन भर हमारा क्या हाल होता है हम ही जानते, क्या क्या झेलना पड़ता है हमें। बस इतनी सी बात, तो एक काम करता हूँ, मैं आज ऑफिस जाता ही नहीं। सबसे पहले हम अपनी प्यारी सी बीवी को लेके किसी अच्छी जगह लंच पे चलेंगे, ठीक है? और लंच के बाद शॉपिंग। ये भी कोई पूछने की बात? तो फिर चले। Let's go. जाने आगे और ये कीर्ति क्या क्या करेगी। कहाँ लेकर जा रही हो हमारे वरुण को?
हमारा मतलब है कि बैलों की जोड़ी कौन से सैर सपाटे पे जा रही है। एक्चुअली बुआ जी, हम लंच करने के लिए बाहर जा रहे हैं। मुझे लगा कि यही बेस्ट होगा और कीर्ति का मूड भी ठीक हो जाएगा, है ना? चलिए हम निकलते हैं। चलो कीर्ति। दो मिनट में निकल रहा हूं, तुम ऑफिस के नीचे मिलो। भाई बहुत चर्बी चढ़ी है। सॉरी सर। सॉरी बोलने का टाइम निकल गया हीरो। हम यहाँ सोच रहे कि कंपनी की सेल्स कैसे बढ़ाए और तुम नुकसान के ठाने बैठे हो। क्या ऐसे चलेगा सेल्स डिपार्टमेंट? सर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? अब कनपट्टी के नीचे दो कंटाप धरेंगे ना तो सब याद आ जाएगा। हमारी बात काट दी कस्टमर के सामने और सस्ता प्लान बेच दिया। सर आप गलत प्लान दे रहे थे, वो तो कस्टमर का नुकसान हो जाता ना, ये तो धोखाधड़ी होती ना सर। ये अभय जी अभी तक क्यों नहीं आए? 20 मिनट हो गए, तब तो आ जाना चाहिए था। माता रानी करे सब ठीक हो। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।